करो ले भाई, पीडीए का माइक थोड़ा ऊपर कर दो, हो गया है थोड़ा पीछे खड़ा करवा देना सबको मिल जाएगा अच्छे से। बोल बोल कर अरविंद केजरीवाल जी को भाई लाओ तो मत यार, आज जमानत मिली है और ये जमानत इस बात का संदेश है कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था कायम है। एक झूठा बेबुनियाद फर्जी तथ्यों के आधार पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करने के लिए जो मामला बनाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया था, बीजेपी की सरकार के द्वारा बनाया गया था, आज उस अभियान पर, उस मुहिम पर, उस गंदी साजिश पर न्यायपालिका का तमाचा पड़ा है। ये सत्य की विजय है। हम बार बार कहते हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला, इसका ना सिर है ना पांव है, ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है, इस पे ना कोई तथ्य है ना प्रमाण है, ये झूठ की बुनियाद पे तैयार किया गया है। और आज जो फैसला आया है इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास और मजबूत होगा। आज जो फैसला आया है इससे देश के लोगों में खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। अभी मैं केजरीवाल जी के परिवार से मिला, उनका परिवार, उनके बच्चे इस फैसले से बहुत खुश है, हम सब लोग आनंदित हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी विजय है और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं समझता हूं अब जरा सी भी शर्म है तो बीजेपी को और मोदी अमित शाह को ये झूठे केस बंद करने चाहिए और जिन लोगों को फर्जी जेल में रखा है उनको सबको बाहर करना चाहिए। संजय जी, ईडी ने अपोज किया था बेल को, वो अपील भी नहीं सुनी गई है कोर्ट, इसलिए कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई माइक नीचे कर रही है, इसलिए कि उन्होंने झूठ की बुनियाद पर सरकार के दबाव में केस बनाया है, इसलिए उनको कोई उनकी बात नहीं सुनी गई न्यायपालिका में। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुकदमे का मकसद था अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को क्रश करना, बर्बाद करना, ये मकसद था बीजेपी। हाईकोर्ट जाने की बात है और मुझे लगता है कि वो न्यायपालिका की लड़ाई है, उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं और कोई भी न्यायपालिका से जब एक जमानत मिली है तो मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि आनंद फानंद में आप जाके कहीं उसको ऊपर से उस जमानत के खिलाफ कुछ कर पाए। सर, चुनाव के ठीक पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, तब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बेल दी गई और अब चुनाव के बाद उस वक्त भी मकसद यही था, चुनाव प्रचार से केजरीवाल को रोकना, उस वक्त भी मकसद यही था आम आदमी पार्टी को हराना और आम आदमी पार्टी को खत्म करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुकदमा ही पूरा झूठ की बुनियाद पे, झूठे तथ्यों के आधार पे फर्जी तरीके से मामला बनाया गया है और एक एक आदमी को पकड़ के जेल में डाला। आप लोग ये भी कहते रहे हैं कि सारी गिरफ्तारियां चुनाव के लिए की जा रही थी, आपकी बात संकेत देता है कि चुनाव हो गए तो गिरफ्तार। भाई ये तो साफ दिख रहा है ना, आप देखिए ना कि चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव खत्म हो गया, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। न्यायपालिका भी तो चीजों को देख रही है, न्यायपालिका भी तो देख रही है कि कैसे झूठे मामले बनाए गए हैं पूरी तरीके से। बीजेपी मैं कहता हूं इस धरती पर पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट पार्टी का अगर नाम है तो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का भा बोलने की भी हिम्मत नहीं है। नीचे जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, जितने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, अशोक चौहान हो, असल शरीफ हो, नवीन जिंदल हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, जनार्दन रेड्डी हो, जितने भ्रष्टाचारी सब आज बीजेपी के और मोदी जी के साथ।